नमस्कार, आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है। मैं हूं राहुल और आप देख रहे हैं चैनल नंबर 10 और इस पर हम हाजिर हैं लेकर अपना अगला लाइव इंटरैक्टिव सेशन लेकर, जो कि है सोशल साइंस का। और आज उसमें हम बात करने वाले हैं एक ऐसे चैप्टर की जिसकी बहुत ज़्यादा डिमांड है और बहुत ज़्यादा दरकार, द मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड। ये आज हमारा टॉपिक है जिस पर हम आज पढ़ाई करने जा रहे हैं, समझने जा रहे हैं। हमारे साथ जो हमारे एक्सपर्ट हैं वो स्टूडियो में तो नहीं है, हमारे साथ ऑनलाइन कनेक्टेड है। जैसा आप सभी जानते हैं, हमारी ये जो क्लासेस हैं तब शुरू हुई थी जब कोविड आया था, लेकिन तब से लेकर चीज़ें बढ़ती ही जा रही हैं और उन्नत हो रही हैं। सुशील कुमार जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं ऑनलाइन। सुशील जी नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार राहुल जी, आप केंद्रीय विद्यालय आसनसोल में, जी जी, आप केंद्रीय विद्यालय आसनसोल में पीजीटी हिस्ट्री के पद पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। सर, व्हाट इज दिस द मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड, हाउ वुड यू एस्टैब्लिश दिस सब्जेक्ट एज एन इंट्रोडक्शन? जी राहुल जी, सबसे पहले आपको धन्यवाद। और जैसा कि आज इस टॉपिक के माध्यम से मैं राहुल जी बताना चाहता हूँ कि क्लास 10th का जो हिस्ट्री है बच्चों को काफी हद तक कॉम्प्लिकेटेड लगते हैं, और खासकर ये जो ग्लोबल वर्ल्ड का चैप्टर है उसके कॉन्सेप्ट को लेकर बच्चों में बहुत सारे कंफ्यूजन रहते हैं। आज निश्चित रूप से मेरी पूरी कोशिश होगी ये चैप्टर बच्चों को बहुत आसानी से समझ में आ जाए, और किसी तरह का कोई भी प्रॉब्लम हो तो बच्चे निश्चित रूप से मुझसे संपर्क कर सकते हैं, लेकिन मेरी पूरी कोशिश होगी कि उनके सारे डाउट्स को आज मैं दूर करा जी। तो आई थिंक वी शुड स्टार्ट। यस यस प्लीज जी। सो डियर स्टूडेंट, जैसा कि आप सभी को मालूम है, आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं द मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि आज के इस चैप्टर में, आज के सेशन में हम क्या क्या टॉपिक्स पे डिस्कशन करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ ग्लोबलाइजेशन, देन फीचर्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन इन द प्री मॉडर्न वर्ल्ड, एलिमेंट्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन इन 19th सेंचुरी, द इंटर वॉर इकोनॉमी, रीबिल्डिंग द वर्ल्ड इकोनॉमी। ये सारे कॉन्सेप्ट हैं जो हमें इस चैप्टर में पढ़ने हैं, लेकिन आज के सेशन में हम एलिमेंट्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन इन द 19th सेंचुरी तक के टॉपिक्स को कवर करेंगे। सो लेट स्टार्ट। यस, द फर्स्ट पॉइंट इज मीनिंग एंड फीचर्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन। राहुल जी, इस पॉइंट को डिस्कस करने से पहले मेरा एक सिंपल सा क्वेश्चन है आपके लिए भी और सभी दर्शकों से भी। जी बताइए। देखिए, हम अपने डेली लाइफ में बहुत सारी चीजों का इस्तेमाल करते हैं। सुबह उठने से लेके रात में सोने तक हमें बहुत सारे प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करना होता है, बहुत सारे आइडियाज ट्रांसफर करने होते हैं। क्या आपको लगता है ये सभी प्रोडक्ट जो आप इस्तेमाल करते हैं हमारे देश में बनाया हुआ होता है, या किसी भी देश में वहां के लोगों द्वारा इस्तेमाल किया गया प्रोडक्ट या सर्विसेज उस देश के लोगों के द्वारा तैयार किया हुआ होता है? 100% तो नहीं, कुछ कुछ, लेकिन कुछ तो जाहिर सी बात है कि बाहर से आता है। जी बच्चों, हम सभी को मालूम है एक्चुअली ह्यूमन लाइफ इज ऑलवेज डिपेंडेंट अपन अदर्स। कोई भी देश हो, कोई भी सोसाइटी हो, कोई भी व्यक्ति अपनी जरूरत का सवाल कभी खुद से पूरा नहीं कर सकता। दे हैव टू डिपेंडेंट अपन अनदर पर्सन, अनदर सोसाइटी, अनदर कंट्रीज। और ये जरूरतें कहां से पूरी होती है? अगर हम एक देश की बात करें, अगर एक देश में खुद से सारा प्रोडक्शन नहीं होता तो उन्हें दूसरे देश पे निर्भर रहना पड़ता है। सो दिस मूवमेंट ऑफ पीपल, गुड्स एंड सर्विसेज अक्रॉस द नेशन इज नोन एज ग्लोबलाइजेशन। तो अगर हम साधारण अर्थों में समझें तो ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या है? व्यक्तियों का, वस्तुओं का या सर्विसेज का एक राष्ट्र से दूसरे राष्ट्र में, पूरी दुनिया में जो मूवमेंट है उसी को हम ग्लोबलाइजेशन के नाम से जानते हैं। ओके। इन टुडेज एवरी एस्पेक्ट ऑफ आवर लाइफ इज हैविंग इन्फ्लुएंस ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। हम जीवन के किसी भी एस्पेक्ट की बात कर रहे हैं, हम कहीं ना कहीं दुनिया के किसी ना किसी भाग से प्रभावित होते हैं। आज आप एक छोटा सा एग्जाम्पल देख लीजिए, आज अर्बन लाइफ का एक इंपॉर्टेंट पार्ट हो गया। जब फूडिंग की बात करें, शायद ही कोई बच्चा हो जो बर्गर और पिज्जा से परिचित ना हो जी, मोबाइल स्मार्टफोन से परिचित ना हो, टेलीविजन से परिचित ना हो, ऐसा बच्चा
शायद ही कोई हो आज के जमाने में, खासकर अर्बन क्षेत्र में। शायद जहां तक ग्रामीण क्षेत्रों की भी बात करें, वहां के भी बच्चे आज के दिन में मोबाइल टेलीविजन से बहुत अच्छे तरीके से परिचित हैं। तो ना केवल प्रोडक्ट्स बल्कि हम अगर आइडियाज की भी बात करें तो जीवन के हर एक क्षेत्र में हम दुनिया के हर एक क्षेत्र से कहीं ना कहीं प्रभावित हैं। मोस्ट ऑफ द हाउसहोल्ड आइटम्स और द कमर्शियल गुड्स और द कमर्शियल प्रोडक्ट्स वी आर यूजिंग आर बीइंग मैन्युफैक्चर्ड बाय सम मल्टीनेशनल कंपनीज। आप देख लीजिए, हम जितने भी सामान यूज करते हैं, ग्रोसरी से लेके कॉस्मेटिक्स तक, मोबाइल फोन से लेके ऑटोमोबाइल, जो भी बेचे जा रहे हैं किसी भी देश में बेचे जा रहे हैं, दुनिया के किसी भी हिस्से में, वो दुनिया की अलग अलग कंपनियों से जुड़े होते हैं। जी हाँ, ये बात अलग है कि कई बार मल्टीनेशनल कंपनीज के प्रोडक्ट हमारे देश में भी निर्मित होते हैं, लेकिन निश्चित रूप से वो प्रोडक्ट दूसरी देश की कंपनियों के होते हैं। वो हमारे देश में भले ही निर्मित हो रहे हों, लेकिन वो कहीं ना कहीं ब्रांड दूसरे देश की कंपनी होती है। यानी हमें हर एक अपनी दैनिक जरूरत के लिए भी और कमर्शियल नीड्स के लिए भी हमें दूसरे कंपनियों पे, दूसरे देशों पे निर्भर रहना पड़ता है। जी। और यही कारण है कि हम ये कह सकते हैं कि ग्लोबलाइजेशन लेड टू द रैपिड इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंट इकोनॉमीज ऑफ द वर्ल्ड। अब जब लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, जब सामान एक जगह से दूसरी जगह जाता है, कैपिटल का फ्लो फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर कंट्री होता है, तो इसका जो सबसे बड़ा बेनिफिट होता है कि दुनिया के तमाम देशों की जो इकोनॉमी होती है वो एक दूसरे से कंप्लीटली इंटीग्रेटेड होती है, एक दूसरे से जुड़ी होती है, और एक देश की इकोनॉमी का दूसरे देश की इकोनॉमी में बहुत बड़ा रोल भी होता है। बच्चों एक पिक्चर देख सकते हैं, अभी आपके साथ स्लाइड में लगी हुई है, ये पूरा वर्ल्ड का मैप है, आप देख सकते हैं डायग्राम बनाया गया है जिसमें हर एक देश का दूसरे देश के साथ इंटरकनेक्शन एक ग्रिड सा बन गया है, एक जाल सा बना हुआ है, जो दर्शाता है कि किस तरह आज दुनिया के तमाम देश एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और बिना दूसरे देश के आगे बढ़ना आज के देश में संभव नहीं। और ये जो जुड़ाव है एक देश का दूसरे देश के साथ, ये जो संबंध है, ये संबंध कैसे संभव होता है? लगातार दुनिया के तमाम देश जो व्यापार में जो टैरिफ लगता है, जो टैक्सेस लगाए जाते हैं डिफरेंट कमोडिटीज पे, गुड्स पे, उनको जब तक रिमूव नहीं किया जा सकता तब तक ये इंटरकनेक्टिंग ऑफ इकोनॉमी पॉसिबल नहीं। सो द ग्लोबलाइजेशन इज पॉसिबल ओनली व्हेन द रिमूवल ऑफ टैरिफ बैरियर्स और फ्री फ्लो ऑफ गुड्स, सर्विसेज एंड कैपिटल conducted between the nations. Okay. अब सवाल यहां पे कुछ खड़े होते हैं। सबसे पहला सवाल कि आखिर ये जो ग्लोबलाइजेशन है ये सब कहां से आया? और दूसरा सवाल एक बहुत बड़ा और बहुत अहम है राहुल जी, कि जनरली ग्लोबलाइजेशन को एक मॉडर्न फिनोमेना समझा जाता है, ये 20th century का थ्योरी माना जाता है ग्लोबलाइजेशन। आज के इस चैप्टर में हम इस चीज को भी समझने की कोशिश करेंगे कि क्या वाकई ग्लोबलाइजेशन जो है एक कंप्लीटली मॉडर्न फिनोमेना है या इसकी जड़ें मानवीय सभ्यता के इतिहास में प्राचीन काल से ही जुड़ी हुई है। मूवमेंट ऑफ गुड्स, कैपिटल और द सर्विसेज एंशिएंट टाइम से चली आ रही है या ये एक कंप्लीटली मॉडर्न फिनोमेना है, इसको भी इस चैप्टर में हम समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो लेट स्टार्ट विद द टर्म ग्लोबलाइजेशन, कहां से आया? ओके, हार्वर्ड बिजनेस स्कूल के प्रोफेसर रहे हैं थियोडोर लेविट, सबसे पहले उन्होंने ही ये जो इंटरकनेक्टिंग ऑफ द पीपल, गुड्स और जो कैपिटल फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर, ये जो कॉन्सेप्ट है इसको ग्लोबलाइजेशन शब्द का नाम देने का काम सबसे पहले इसी हार्वर्ड बिजनेस स्कूल के प्रोफेसर थियोडोर लेविट ने किया, जब उन्होंने 1983 में इस कॉन्सेप्ट को ग्लोबलाइजेशन कहा। धीरे धीरे
ये कॉन्सेप्ट बहुत ही पॉपुलर होता चला गया और वेस्टर्न आइडियोलॉजी ने लगातार इस बात को इंटरप्रेट करने की कोशिश की गई कि ये वेस्टर्न सोसाइटीज की देन है, ये जो ग्लोबलाइजेशन है ये वेस्टर्न कंट्रीज की देन है और ये कंप्लीटली मॉडर्न फिनोमेना है जिसने दुनिया के अर्थव्यवस्था को बदल के रख दिया है। सो हम यहाँ ये समझने की कोशिश करेंगे कि क्या वाकई उनके द्वारा प्रोपेगेटेड आइडिया है कि ये कंप्लीटली मॉडर्न फिनोमेना है या इसकी जड़ें ऐतिहासिक काल से चली आ रही है, हिस्टोरिकल पीरियड से चली आ रही है और समय के साथ साथ इसमें बदलाव होते जा रहे हैं, इसको हम समझने का प्रयास करेंगे। ओके, सो विल स्टार्ट विद द एंशियंट पीरियड। सो सबसे पहले हम देखेंगे कि प्री मॉडर्न वर्ल्ड में यानी एंशियंट एंड मेडिवल पीरियड में इस तरह का जो ग्लोबलाइजेशन की हम बात करते हैं इस तरह का कॉन्सेप्ट हुआ करता था या नहीं, क्या मूवमेंट ऑफ गुड्स, मूवमेंट ऑफ आइडियाज, मूवमेंट ऑफ पीपल और मूवमेंट ऑफ कैपिटल क्या एंशियंट पीरियड में होते थे या नहीं, अगर होते थे तो उसका माध्यम क्या होता। बच्चों सेंचुरी बीसी से ही दुनिया के तमाम देश एक दूसरे से जुड़े रहे, दुनिया के प्रथम सिविलाइजेशन जो है रिवर वैली सिविलाइजेशन जैसे मेसोपोटामिया का सिविलाइजेशन, इंडस वैली सिविलाइजेशन, इजिप्ट सिविलाइजेशन, अगर आप आगे बड़े क्लासेस में पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि इन सिविलाइजेशन में भी आपस में एक्सचेंजेस होते थे। मेसोपोटामिया के बहुत सारे सिल्स हमें इंडस वैली सिविलाइजेशन इंडिया के डिफरेंट साइट्स पे मिले हैं, इंडिया के बहुत सारे जो यूटेंसिल्स हैं सिलिंड्रिकल वेसल्स हैं वो मेसोपोटामिया के साइट्स पे मिले हैं, मेसोपोटामिया के इंस्क्रिप्शंस में हमें हड़प्पा सिविलाइजेशन के लिए मेलुहा शब्द का प्रयोग होते हुए भी देखा है। दैट मींस बीसी 5000 यानी 4000 बीसी से भी पहले से आप कह सकते हैं दुनिया के तमाम देश एक दूसरे से जुड़े थे, लेकिन जो पहला चैनलाइज जो पहला प्रॉपर एविडेंसेस कह सकते हैं आप दुनिया के देशों में संबंध इंटरकनेक्शन होने का जो मिला है उसमें सबसे बड़ा रोल है सिल्क रूट का। सिल्क रूट सबसे पहले कहां से होके गुजरती थी और इसका नाम सिल्क रूट क्यों पड़ा ये कुछ वक्त दिखता है। ये रूट से सिल्क का चाइनीज सिल्क का बहुत बड़ा कारोबार होता था, इस रूट के माध्यम से चाइनीज सिल्क यूरोप के डिफरेंट कंट्रीज में, अफ्रीका के डिफरेंट कंट्रीज में और एशिया के भी डिफरेंट कंट्रीज में बड़ी मात्रा में पहुंचते थे। और बीसी 114 से लेकर लगभग 1500 सेंचुरी तक सिल्क रूट ट्रेड का बहुत प्रमुख साधन बना रहा। एंड व्हाट इज इंटरेस्टिंग, नॉट ओनली द ट्रेड but the cultural exchanges were also gone hand in hand through this route for several centuries. केवल ट्रेड ही नहीं होते थे, लोगों का आना जाना भी होता था, विचारों का आदान प्रदान भी होता था। इसी रूट के माध्यम से इस्लाम का भी एक्सटेंशन हुआ, इस्लामिक विचारधारा के लोग भारत जैसे देशों में प्रवेश किए, इसी रूट के माध्यम से क्रिश्चियनिटी इंडिया में प्रवेश करी, दुनिया के अलग अलग देशों में उसका एक्सटेंशन हुआ। So, हम देख सकते हैं दुनिया में जो ग्लोबलाइजेशन की बात करते हैं कहीं ना कहीं इसको बढ़ाने में सिल्क रूट का बहुत बड़ा योगदान रहा। यहाँ डिफरेंट सिल्क रूट भी कोई एक सिल्क रूट नहीं था, आप देख सकते हैं चाइना से जो सिल्क रूट होता है वो कई रास्ते से होके गुजरता है। चाइना से एक रास्ता है जो अरुणाचल प्रदेश होते हुए, बिहार होते हुए, यूपी होते हुए वो मिडल ऑफ एशिया की ओर निकलता हुआ यूरोप की ओर जाता है। कोई रास्ता है जो अफगानिस्तान से होते हुए जो है यूरोप और अफ्रीका के दूसरे देशों को कनेक्ट करता है। There were several routes which connected different parts of the world. Travel of food. अभी जैसे कि राहुल जी हमने बताया पिज्जा नूडल्स भी हमारे जीवन का अहम पार्ट हो गया है, खासकर अर्बन कल्चर जी। इसके अलावा शायद ही कोई ऐसा घर होगा जहां आज पोटेटो यानी आलू का इस्तेमाल नहीं होता, मेज मकई का इस्तेमाल नहीं होता। लेकिन ये सभी
जो फूड आइटम्स है क्या उनका इंडियन ओरिजिन है? नहीं, ये सभी आइटम्स अलग अलग देशों से ट्रेवल होते हुए इंडिया में पहुंचे हैं और देश के दुनिया के दूसरे हिस्सों में भी पहुंचे। रेडी फूड स्टफ्स का भी यही हाल है। एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे आप देखिए स्पेगेटी है या नूडल्स है। ये माना जाता है कि स्पेगेटी या नूडल्स जो है वेस्ट में चाइना से पहुंचा और वहां स्पेगेटी का नाम पड़ा। कॉमन फूड की भी बात करें आज की, जैसे पोटेटोज है, सोया है, ग्राउंडनट्स है, मेज है, टोमेटोज है, चिलीज है, स्वीट पोटेटोज है, ये भी भारत के लोगों को 5वीं शताब्दी से पहले तक मालूम नहीं था। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से भले ही वो किसी एक देश में इनका ओरिजिन हुआ हो, लेकिन आज दुनिया में इस तरीके से वो फैले हुए हैं। आप एक मैप देखिए और इससे ये पता लगाना बहुत ही मुश्किल है कि इनमें से कौन सी आइटम का ओरिजिन क्या रहा होगा। आज ये हमारे कल्चर का इतना इंटीग्रल पार्ट होता चला गया है एंड इट इज ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन। भले ही इसका नाम हमने 20th सेंचुरी में रखा हो, लेकिन कहीं ना कहीं ये ग्लोबलाइजेशन बहुत पहले से चली आ रहा है। बिल्कुल। नाउ केवल एक बात और गौर करना पड़ेगा कि केवल व्यापार ही नहीं, एक बात का और ख्याल रखना पड़ेगा कि सिल्क रूट ने 15 सेंचुरी तक बहुत अहम भूमिका निभाई, लेकिन बच्चों ने पढ़ा है कि 15 सेंचुरी से यूरोपियन कंट्रीज ने ओशियनिक एक्सप्लोरेशन करना शुरू किया था, जिसमें स्पेन और पुर्तगाल का अहम योगदान था। स्टार्टिंग विद स्पेन, सबसे पहले 1492 में कोलंबस ने अमेरिका की खोज की एंड देन 1492 में वास्को डी गामा ने भारत की खोज की, जिसके बाद ओशियनिक रूट ट्रेड के लिए बहुत ही पॉपुलर। शुरुआत में पुर्तगीज और स्पेन बहुत ही डोमिनेटिंग नेशन थे और इन्होंने जब अमेरिका की खोज की, जब ये अमेरिका पे पहुंचे तो उन्होंने अमेरिका पे जो अपना कंट्रोल किया, निश्चित रूप से इसके लिए स्ट्रॉन्ग आर्मी का तो सहारा लिया ही लिया, कैवेलरी का सहारा तो लिया ही लिया, साथ ही साथ उनके साथ कई सारी डेडली डिजीजेस भी कैरी होते चले गए जिन्होंने उन देशों के कॉलोनाइजेशन में उनको बहुत बड़ा हेल्प प्रदान किया। ऐसा ही एक एग्जाम्पल है कि जब स्पेन ने अमेरिका को कॉलोनाइज किया तो कॉलोनाइज करने के लिए उनका जो हथियार था वो कोई कॉन्वेंशनल मिलिट्री वेपन नहीं था, ये स्मॉल पॉक्स के वायरसेस थे जिन्होंने इनको कॉलोनाइजेशन में अहम रोल प्ले किया। क्योंकि अमेरिका दुनिया के देशों से बिल्कुल अलग था, वहां के लोगों को स्मॉल पॉक्स की जो डिजीज थी उसके अगेंस्ट में उनकी इम्यूनिटी डेवलप नहीं थी, उनका कोई सॉल्यूशन उनके पास मौजूद नहीं था। एज अ रिजल्ट दिस डिजीज proved as a deadly disease and thousands of people died due to this disease and it helps in the colonization of this country. Now, अब हम बात करते हैं 19th century, जो जहां से globalization एक proper institutional रूप लेता चला गया और जिसने जो कहते हैं जो modern globalization की बात करते हैं उसको अमली जामा पहुंचाया, जिसको एक नया नाम देने में बात के इकोनॉमिस्ट को, बात के प्रोफेसर को सफलता मिली। इसकी शुरुआत कहीं ना कहीं इंग्लैंड से। 18th सेंचुरी में इंग्लैंड का पॉपुलेशन बहुत तेजी से बढ़ा। पॉपुलेशन बढ़ने का परिणाम क्या हुआ कि फूड ग्रेन्स का डिमांड भी बहुत तेजी से बढ़ा। एक और पॉपुलेशन ऑलरेडी बढ़ रहा है, फूड ग्रेन्स का डिमांड बढ़ा जिसके कारण फूड ग्रेन्स की कीमतें भी बढ़ी। इसका फायदा वहां के जो लैंडेड ग्रुप से जो जमींदार वर्ग है उसने इसका फायदा उठाना चाहा, सरकार पे दबाव बनाया और उन्होंने कॉर्न के इंपोर्ट पे बैन लगा। अब आप देखिए पॉपुलेशन तेजी से बढ़ रही है, फूड ग्रेन्स का डिमांड बढ़ रहा है और जो ब्रिटेन में यूरोप के दूसरे देशों से जो अनाज का आयात कराया जाता था, इंपोर्ट कराया जाता था, उस पर भी बैन लगा दिया, जिसके कारण अनाज की कीमतें और बेतहाशा बढ़ी, बहुत तेजी से बढ़ी जी। ऐसे ही कानून को कॉर्न लॉ के नाम से जाना जाता है, लेकिन इस कॉर्न लॉ के कारण बहुत बड़ा परिणाम हुआ, बहुत बुरा परिणाम। इंडस्ट्रीज में काम करने वाले वर्कर्स जो बहुत कम मजदूरी पे काम करते थे, अब उनका गुजारा करना मुश्किल हो गया। उन्होंने अपनी सैलरी को रिवाइज करने की डिमांड करनी शुरू कर दी, जिसके कारण जो इंडस्ट्रियलिस्ट क्लास है उन्होंने क्या किया, सरकार पे दबाव बनाया कि ऐसे में हमारे इंडस्ट्रीज का दूसरे देशों के साथ कॉम्पिटिशन करना मुश्किल है, जिसके परिणाम स्वरूप
फाइनली सरकार को कॉर्नलॉ को अबोलिश करना। और कॉर्नलॉ को अबोलिश करने के बाद जब फूड ग्रेन्स का इंपोर्ट तेजी से बढ़ने लग गया तो ब्रिटेन में साइंस एंड टेक्नोलॉजी बहुत तेजी से आगे बढ़ शुरू हुई। और ये जो साइंस और टेक्नोलॉजी में जो बदलाव आया उसने न केवल इंग्लैंड को फूड सफिशियंट बनाया बल्कि वहां के लोगों का जो लोअर लिविंग स्टैंडर्ड था उसको भी इम्प्रूव किया और पूरे इकोनॉमिक प्रोसेस को एक ऑर्गेनाइज वे में चैनलाइज करना शुरू कर दिया। जी। ये क्या ऑर्गेनाइज वे है आप देख सकते हैं 19th सेंचुरी में तीन तरह का मूवमेंट जो आज मॉडर्न ग्लोबलाइजेशन की बात करते हैं क्लियरली देखा जा सकता है। सबसे पहला ट्रेड इन गुड्स, देन फ्लो ऑफ लेबर, देन मूवमेंट ऑफ कैपिटल। अब इसका ट्रेड पे क्या प्रभाव है? ये जो ड्रामेटिक तरीके से जो ट्रेड को ऑर्गेनाइज किया गया उससे ब्रिटेन का जो इकोनॉमी है वो बहुत तेजी से बढ़ा और इसके साथ साथ वहां के लोगों को लाइफ स्टैंडर्ड भी बढ़ा और इसमें टेक्नोलॉजी का जो रोल था वो बहुत ही अहम था। बिल्कुल। जैसे एक उदाहरण आपको देते हैं जी, टेक्नोलॉजी के आने से पहले इंग्लैंड के लोगों को खासकर जो लोअर क्लास लोग थे जो मिडिल क्लास लोग थे वो भोजन में मीट का इस्तेमाल नहीं कर पाते। क्यों? मीट बहुत ही महंगा पड़ता था। जी। मीट महंगा पड़ने का रीजन क्या होता था? जो वहां पे जानवर अवेलेबल नहीं थे और जानवर कहां से मंगाए जाते थे? अमेरिका से, अफ्रीका से जानवर मंगाए। ये जीवित जो एनिमल थे उन्हीं को जहाजों पे लादा जाता था। इसका परिणाम क्या होता था? जब जीवित जानवरों को जहाजों पे लादा जाता था तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बहुत ज्यादा होता होगा। साथ ही साथ कई सारे जानवर इतने लंबे सफर में बीच रास्ते में ही मारे जाते। जी। अब इसका समाधान क्या निकाला? सबसे पहले तेजी से चलने वाले बोट्स का जहाज का आविष्कार किया गया। जी। साथ ही साथ इन जहाजों में रेफ्रिजरेशन का इंतजाम किया। रेफ्रिजरेटेड शिप्स रहने के कारण अब जानवरों को लाइव न करके उन्हें मीट का शक्ल देके उन्हें रेफ्रिजरेटर में फ्रोजन करके आसानी से यूरोप में एक्सपोर्ट किया जाने लगा जिससे इसकी कीमतों में बहुत गिरावट आई और लोगों के खान पान में भी क्या हुआ? बदलाव आया। जी। सुशील जी आपके पास सिर्फ 2 मिनट का और समय है, आपको समाप्त करना होगा। एक्चुअली आज टाइम कम है इसलिए हमने स्लाइड भी कम किया था। इस टॉपिक में भी बहुत कुछ पढ़ना है। जी जी। एक छोटा सा कंक्लूजन आज के लिए यहाँ पे मैं ये कर रहा हूँ कि हालांकि एक और इंग्लैंड की इकोनॉमी इससे बहुत तेजी से बढ़ी, इंग्लैंड में इंडस्ट्रीज और ट्रेड भी बहुत तेजी से बढ़ी, लेकिन इसका एक बहुत ही निगेटिव इम्पैक्ट हुआ। इससे पूरे दुनिया में इंग्लैंड इंपीरियलिज्म बहुत तेजी से फैला। इंग्लैंड ने अपनी कॉलोनीज अमेरिका में, अफ्रीका में, एशिया में, वहां के लोग ऑस्ट्रेलिया में, सभी जगह फैलते चले गए। वहां लोगों ने कॉलोनाइजेशन को बढ़ावा देना शुरू किया। कॉलोनाइजेशन की आवश्यकता क्यों पड़ी? सबसे पहले हमने देखा चूंकि फूड ग्रेन्स में इंग्लैंड सफिशियंट नहीं था तो फूड ग्रेन्स को इम्पोर्ट कराना भी उनके लिए बहुत चुनौती थी, इसके लिए दूसरे देशों पर उनका प्रभाव रखना जरूरी था। जी। इंडस्ट्रीज के लिए रॉ मटेरियल्स बहुत भारी मात्रा में रिक्वायर्ड थी। अब चूंकि वहां पे रॉ मटेरियल प्रोडक्शन करने के लिए पॉसिबिलिटीज तो थी ही नहीं, ऐसे में वो रॉ मटेरियल्स कहां से मिलते? वो अमेरिका से हासिल हो सकते थे, वो अफ्रीका से हासिल हो सकते थे, वो इंडिया से हासिल हो सकते। अब कोई भी देश इनको ये रॉ मटेरियल्स आसानी से उपलब्ध करा नहीं सकता था, जिसके कारण इन देशों का कॉलोनाइजेशन स्टार्ट। जैसे कि आप इंडिया का ही एग्जांपल ले सकते हैं, 18th सेंचुरी से पहले तक इंडिया से बड़ी मात्रा में मैन्युफैक्चर्ड गुड्स इंडिया की ओर इंग्लैंड की ओर एक्सपोर्ट होते, लेकिन जैसे 18th सेंचुरी ऑनवर्ड इंग्लैंड में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ, रिक्वायरमेंट बढ़ी, उन्होंने अपनी पॉलिसीज में इस तरीके से बदलाव की कि उन्होंने सारा रॉ मटेरियल्स, पहले तो सबसे पहले रॉ मटेरियल्स खरीदना शुरू किया और इन रॉ मटेरियल्स को उन्होंने क्या किया? इंग्लैंड एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिया और यहाँ के ट्रेड एंड कॉमर्स को पूरी तरह से उन्होंने नष्ट कर दिया। सो हम ये कह सकते हैं कि आज के सेशन के लिए, अगले सेशन में हम और आगे बढ़ेंगे कि ग्लोबलाइजेशन ने जहाँ एक और इंग्लैंड या दूसरे यूरोपियन कंट्रीज के लिए विकास का रास्ता बढ़ाया तो दूसरी ओर एशिया, अमेरिका और अफ्रीका जैसे देशों के लिए बहुत ही बुरे दौर की शुरुआत भी
जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। आज के सेशन के लिए फिलहाल इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत आभार आपका। आपने बहुत आसान और सरल तरीके से, मैं कहूंगा कि बच्चों को बताया कि ग्लोबलाइजेशन क्या है और कब से उसकी शुरुआत हुई और कैसे उसकी अवधारणा ने जो है अमली जामा पहना। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत आभार आपका। थैंक यू। हमारा ये सोशल साइंस का सेशन हम आज यहीं समाप्त करेंगे। आप कहीं मत जाइएगा, थोड़ी ही देर में हम हाजिर होंगे अपने अगले लाइव इंटरेक्टिव सेशन लेकर। देखते रहिए PME विद्या चैनल्स। नमस्कार।